टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है पहले हम ये जान लेते हैं, यानी उसका डिफिनीशन। वाटर द साइकिल प्रोसेस्ड बाय वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन अर्थ ओशियंस एटमोसफियर एंड लैंड। यानी कि यह वो साइकिल है जिसमें पानी को पंप किया जाता है पृथ्वी के ओशन से एटमोसफियर में और एटमोसफियर से जमीन पे, जो प्रेसिपिटेशन से होता है। यानी कि जो जमीन पे आता है वो प्रेसिपिटेशन के कारण प्रेसिपिटेशन से होता है। कुछ जगह रेन्स होते हैं, कुछ जगह स्नो होते हैं, और ये जो पानी जमीन पे गिरता है रेन के फॉर्म में, वो अगर उसके आसपास कोई रिवर है तो रिवर में है ना ड्रेन हो जाता है, यानी कि गिर चला जाता है। और आसपास अगर कोई सॉइल है तो उस सॉइल उसके अंदर अपने उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर अदर एंड रिवर और अदर वाटर सोर्स में वो पानी चला जाता है ड्रेन होकर, और फिर उस रिवर वाटर उस वाटर सोर्स से इवेपोरेट और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इवेपोरेशन नॉर्मली हो जाता है सन से और ट्रांसपेरेशन प्लांट करते हैं। तो हम इसके स्टेजेस जान लेते हैं कि वाटर साइकिल के कितने स्टेज हैं। तो इसके टोटल 3 स्टेज होते हैं, इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। तो इवेपोरेशन क्या है? तो इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर जो होता है वो अपने है ना लिक्विड फॉर्म से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चला जाता है। लाइक अगर हम बॉयल भी करते हैं पानी को तो उस वो भी इसी प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाता है एटमोसफियर में। और अगला है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होती है प्लांट्स में। तो प्लांट्स जब पानी अब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ पानी रिलीज भी करते हैं, तो जो रिलीज करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो गैसियस फॉर्म का जो प्रोसेस गैसियस फॉर्म प्लांट से निकलता है वाटर का और एटमोसफियर में चला जाता है, तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन किसी चीज़ पर जब वेपराइज पानी को वाटर में कन्वर्ट करना। तो ये जब आसमान में जाता है हमारा इवेपोरेटेड पानी तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं उसे, तो उसमें वो कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म करता है। और आप इसे नॉर्मली ठंडी के सीजन में देख सकते हैं, कार के शीशा के ऊपर देख सकते हैं या फिर किसी मिरर के ऊपर। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन वह प्रोसेस है जिसमें पानी जो क्लाउड बन जाता है जब वो हैवी हो जाता है तो पानी जो गिरता है इसी प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे वो बहुत सारे फॉर्म में गिरता है, रेन, स्नो, स्लीट, ड्रिजल। और अब हम देखते हैं वाटर साइकिल का प्रोसेस को इमेज के तौर इमेज से। तो ये है हमारा सन। जब ये सन की रेज किसी वाटर सोर्स के ऊपर पड़ती है, जब इसकी रेज वाटर सोर्स के ऊपर पड़ती है जो यहाँ पे है, तो इसका पानी वेपराइज हो जाता है। तो वेपर बन के ऊपर जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। और अगर यही प्रोसेस अगर प्लांट में हो तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये ऊपर जाता है, फिर ये क्लाउड फॉर्म करता है किसी सॉलिड पार्टिकल्स पर चिपक के, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो जब ये बादल बड़ा हो जाता है तो ये भारी भी होता है। तो भारी होने के कारण इससे पानी गिरता है। तो पानी गिरता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो जब पानी जब इसमें आता है किसी वाटर सोर्स में तो सरफेस रनऑफ होता है। कभी कभी कुछ सरफेस से भी पानी में आता है, फिर डायरेक्ट इसमें चला जाता है, इसे सरफेस रनऑफ कहते हैं। तो फिर ये पानी और चलते रह फिर सन की रेज पड़ती है, फिर पानी इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेट होता है, फिर सरफेस रनऑफ होता है, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो इसी साइकिल को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। तो आपने जान लिया है कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।